हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 6 या 7 फंक्शन कवर करेंगे जो कि एक्सेल में होते हैं। और फंक्शन से कोई भी कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला जो फंक्शन है वो सम फंक्शन है। ठीक है, इसको फार्मूला भी बोला जाता है या फंक्शन ही बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या होता है? सम फंक्शन का यूज दो या दो से अधिक नंबर को एक साथ ऐड करने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लगाते हैं क्या, इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ क्या टाइप करते हैं, सम। इक्वल टू के बाद क्या टाइप करेंगे, सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद आप चाहें तो ब्रेकेट भी लगा सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दे रहा है, नंबर 1, नंबर 2। तो नंबर 1 से लेके पूरा नंबर यहाँ लास्ट तक हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट तो ओपन हुआ है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को आप हम लोग क्लोज कर लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए टोटल यहाँ से ये पूरा सम निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार फिर मैं इसको बताता हूँ, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल टू और क्या टाइप करेंगे, सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्या बोला है, नंबर 1, नंबर 2। तो इन सब दो सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट तो मैंने ओपन किया है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो सेव के साथ यहाँ पे क्लोज कर लेंगे और एंटर करेंगे तो सम निकल के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सम निकाल सकते हैं। दूसरे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला जो है वो क्या है, सम इफ का है। ठीक है, सम इफ मतलब क्या होता है कि दिए गए डेटा में से किसी एक जैसे नंबर को जोड़ने के लिए सम इफ का यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि 20, बस एक जो 20 लिखा हुआ है ना उसको बस जोड़ के निकाल दे, 20 जो है उसको बस ऐड करें। मतलब दिए गए डेटा में से किसी एक जैसे नंबर को ऐड करने के किसका यूज करते हैं, सम इफ का यूज करते हैं। तो लगाते हैं फार्मूला, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, और देखिए क्या बोला, रेंज। रेंज मतलब ये पूरा यहां से और ये नीचे तक का पूरा रेंज हो गया। ठीक है, कॉमा, क्या बोला है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब किसको जोड़ना है, तो हमको 30 को जोड़ना है, तो 30 जितनी बार होगा उसको जोड़ के क्या कर देगा, ये दे देगा। एंटर करते हैं तो 120 आ रहा है। 120 क्यों आ रहा है, क्योंकि 30 हाँ 4 बार होगा, इसलिए क्यों आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, और रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में ये पूरा रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या दे रहा है, 20। तो 20 को क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं, तो 20 किए तो कितना है, 80 आया, यानी कि 20 कितने बार है, 4 बार है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, एक यहाँ 1 और ये 2 और ये 3 और ये ऊपर छूट गया था 4, तो 4 इसके अंदर क्या है, 20। तो ऐसे सम इफ। आगे आते हैं, आगे देखिए और कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन का क्या काम है, काउंट फंक्शन का काम ये है कि इनपुट संख्याओं को ये गिन के बताता है कि आपके ये जो डेटा आपने लिखा है इसके अंदर कितना इनपुट संख्या है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनने में टाइम लगेगा, तो काउंट लगा सकते हैं, इक्वल टू काउंट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन और वैल्यू 1, वैल्यू 2 दो रहा है, तो पूरा क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और यहाँ से ये एंटर, तो क्या जाएगा, 9 वैल्यू पूरा है, तो 3 से स्टार्ट हुआ है और 11 पे खत्म हुआ था, ऐसे समझ में आ रहा, 9 वैल्यू इसके अंदर होगा। फिर से देखते हैं एक बार और, इक्वल टू काउंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो पूरा यहाँ से और लास्ट तक हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे और करेंगे एंटर, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 9, इसमें भी 9 वैल्यू है क्योंकि जस्ट बगल वाले में 9 है, तो ये भी 9 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे उसके बाद क्या है, काउंट इफ। काउंट इफ का क्या काम है, इनपुट संख्याओं में से किसी एक जैसे संख्याओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, 2000-4000 वर्कर आपके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे हमको देखना है क्या, इनपुट नंबर। ठीक है, इनपुट नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इनपुट नंबर बहुत सारे नंबर उसके अंदर दिए हुए हैं, आप चाहते हैं कि 50,000 सैलरी पाने वाले जितने लोग हैं उनको काउंट करके निकाल दें, या 20,000 सैलरी पाने वाले जितने लोग हैं उनको काउंट करके निकाल दें, तो उसके लिए आप सम काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू और काउंट इफ, सही कहा आपने। उसके बाद क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे, क्या पूछ रहा है, रेंज।
रेंज पे, पूरा यहाँ से तक रेंज दे देंगे, ठीक है कॉमा। उसके बाद क्या बोला है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या दे देंगे हम यहाँ पे, 30 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। 30 कितनी बार है, 4 बार है, तो 30 दे दिया। 50,000 सैलरी पाने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ऐसे इसको निकाल सकते हैं किससे, काउंटिंग से, ठीक है। एक बार और निकालते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज पूछ रहा है, रेंज ये पूरा दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कौन सा हमारा 20 है, तो 20 कितनी बार है, 4 बार 20 है, इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना बार 20 निकलेगा, 4 बार 20 निकलेगा, 20,000 सैलरी पाने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो ऐसे आप काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका फार्मूला है वो है काउंटा, ठीक है। अब देखिए काउंट और काउंट इफ आपने जाना, और काउंटा क्या होता है इसको भी थोड़ा एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए काउंटा का मतलब होता है ये अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू को काउंट करने का कार्य करता है। अब कैसे काम करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू, यहां पे लगाते हैं इक्वल टू काउंटा, तो क्या बोल रहा है, वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू, तो वैल्यू वन से लेकर वैल्यू टू तक सेलेक्ट करेंगे तो 9 वैल्यू पीछे था, 9 वैल्यू एंटर करता, 9 इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन ये अल्फाबेट न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को काउंट कर रहा है। एक बार और देख सकते हैं आप लोग, इक्वल टू काउंटा, ठीक है। यहां मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ, क्या दे रहा है, 9 वैल्यू दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं काउंट में, ये काउंट पीछे वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं एक जोड़ता हूँ, क्या यहाँ पे सादिक जोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे इन जमाम जोड़ देता हूँ एक नाम, फिर यहाँ पे जफर जोड़ देता हूँ, तो ये 3 नाम इसमें जोड़ दिए, तो बगल वाले में कितना आया, 9 आया है, इसमें भी 9 आया आना चाहिए ना। लगाते हैं इक्वल टू, क्या लगाता हूँ मैं, काउंट, ठीक है। और ये पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से इसको नीचे खींच देता हूँ। देखिए इसमें 6 आ रहा है, 6 क्यों आ रहा है, जो काउंट होता है वो अल्फाबेट वैल्यू को नहीं गिनता है, बस न्यूमेरिक वैल्यू को ही गिनता है, और लेकिन जो काउंटा होता है वो अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू को गिनता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, मैं निकालता हूँ फिर से काउंटा, और यहाँ पे पूरा सेलेक्ट, सेलेक्ट इंटर, तो 9 आया, तो इसमें मैं लिखता हूँ क्या, तो लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, कंप्यूटर एंटर, तो क्या आ रहा था अभी 9, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काउंटा अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू को गिनता है, काउंट बस। आपका अपना क्लासेस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।